कभी असली बदमाशों के बीच फंसे हो आप? ये मोतिहारी की बात है, बिहार में है। तो मनोज वाजपेयी और हम शूटिंग कर रहे थे शूल फिल्म का। अच्छा जी। और वो गाना था यूपी बिहार लूट ले, शिल्पा जी का। तो उसके एंड में गोली बजती है मनोज वाजपेयी की और गाना बंद हो जाता है। तो जब जो बंदूक मनोज वाजपेयी के पास थी वो बहुत ही मॉडर्न थी, मतलब तो उन्होंने बोला कि यार बिहार के गांव में साला ऐसी बंदूक कौन देता है पुलिस वालों को, तो कोई देसी टाइप की है क्या? तो सर्दियों के दिन थे, कंबल लपेटे हुए थे, कम से कम भी 20 पिस्टल ऐसा बोला ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी ये चलेगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, सायजी शिंदे और जितने भी हम सब लोग थे, हमारे विलन विलन गया भाड़ में, हम ऐसे हो गए कि हे भगवान यहाँ से किसी तरीके से निकले बस। ये तो वही बात है, इसने माचिस मांगी और सबके निकाल ली। बाप रे, अरे बाप रे। सर कभी कोई आपने ऐसा रोल किया हो जो बाद में लगे आपको कि यार ये मैंने क्यों किया, या देख के खुद ही हंसी आई हो कि यार ये है? कौन सा रोल मुकेश सर? मेरा नाम है बुल्ला। वो तो क्लासिक हो चुकी है। उस वक्त मैं नया नया था और मेन विलन की कर रहा था। वो फिल्म मुझे मिली, पैसे अच्छे मिल गए वहाँ। अब ये जो लाइनें हम सब ने बोली, मैं मोहन जोशी सब सब ने, इनको किसी और दूसरे तरीके से बोला ही नहीं जा सकता एक्चुअली, क्योंकि वो इतना ड्रामा है उन लाइनों में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि उसके 20 साल बाद इस फिल्म की लाइनें, मुझे सबसे पहले अगर किसी ने कहा इन लाइनें के बारे में, वो तो सैफ अली खान साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया तुम्हें कुछ पता है तो कंप्यूटर के ऊपर क्या हो रहा है? मैं क्या, नहीं तुम्हारी वो बुल्ला की लाइनें हैं इंटरनेट पर। हाँ। तो उन्होंने कहा इस मोस्ट हर्ड मोस्ट सीन लाइंस, ऐसी कुछ बोली। उसके बाद फिर वो सारा सिलसिले शुरू हुए, अमेरिका से फोन आ रहा है रेडियो स्टेशन से, वो इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद जा रहे हैं अभी हमारी बुल्ला पार्टी है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज के जनरेशन ने उसे ह्यूमर में लिया है। हाँ। उसकी गलतियां नहीं निकाली। फिर कोई जाए बुल्ला का चल। अरे यार आज क्या हो गया? सब जानते हैं, सब जानते हैं कि मेरा नाम है बुल्ला और मैं हमेशा रखता हूं खुला। वाह क्या बात है। क्या बात है, आज हमारी इंडस्ट्री के खलनायक आए हुए हैं। वाह वाह वाह। एक मिनट, एक तेरी इंडस्ट्री तू सुभाष गई है? तेरी कहां से होगी इंडस्ट्री? जा अपना दही लेने जा, जिधर जा रहा था तू। हमारी इंडस्ट्री। कपूर शर्मा मेरी बात सुनो यार, मैं इतना बड़ा इनका फैन हूँ, मेरी कोई इंट्रोडक्शन करवाओ इनके साथ। ये सब जैसे आप हमारी इंडस्ट्री के इतने बड़े खलनायक हैं, ये हमारे शो का मेन नलायक है। क्या नलायक क्या क्या मतलब, इधर सोनी के पेपरों में मेरी पर्ची पकड़ी गई है। सर मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मैं आपको बचपन से देखता आया हूँ सबको सर, वही रोब वही रुतबा वही खौफ। और आशीष सर वास्तव में जो आपने विट्ठल कानिया का रोल किया था ना, मैं तो मतलब उससे इंस्पायर होकर अपनी रियल लाइफ में वैसा करेक्टर करता रहा हूँ सर। आपने तो वास्तव फिल्म में किया ना, ये वास्तव में ऐसा करता था। हाँ, एक लड़की बर्गर खा रही थी, कहता देख अभी थोड़ी देर में उसका बर्गर मेरे हाथ में आएगा, मैं कैसे उसके पास जाकर कहता मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं जा गया। करने क्या है इधर बैठ के बात कर रहा है मेरी बात सर। चक्कर पता क्या है, मैं विलन बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को आप छोटा सा रोल कहीं विलन का दिला दें। विलन क्यों बनना चाहता है, इतना अच्छा तरह हीरो वाला फेस है। क्योंकि विलन बनने के फायदे बड़े हैं। क्या क्या? शरीफ बनने का फायदा कोई नहीं है। शरीफ बंदा बनता है, पहले लड़की पटाता है, फिर उसको मनाता है, फिर डर डर के उससे बातें करता है, फिर लड़की के आगे 100 नखरे होते हैं। विलन का सीधा है ना, पटाना ना मनाना, सीधा उठाना। विलन्स में वेरिएशंस बड़ी हैं, मतलब अपना बंदा स्टाइल क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं बताता हूँ, राज बब्बर साहब है, उनका एक अलग स्टाइल है। वो कभी मैंने तैश में नहीं आते देखे। वो हमेशा हीरोइन को रिक्वेस्ट करते हैं,
जैसे मान लो हीरोइन कमरे में है ना, रूम में, उन्होंने चटकनी लगा देनी है, ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं, उनको रिक्वेस्ट कर दे कैसे मेरे पास आओ, एक आदमी दो बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही हो। आओ, क्या बात है, क्या बात। लेकिन मैंने एक चीज और देखी है सर, नाना पाटेकर साहब जो है ना, वो बड़े मेरे को नेचुरल लगते हैं। वो जब कभी विलन का रोल करते हैं ना, तो वो बात करते करते कत्ल कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, मार देते बंदे को, वो पता नहीं चलता ऐसे। हाँ, क्या लाए हो? अच्छा, बात इनसे कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसको जाकर बोल देना, वो लगता ही नहीं कत्ल किया, ऐसे लगता पान लगाया। तो सर मतलब ऐसे हो जाता है कभी कभी फिल्मों में। ये सारी बातें उनको क्यों बता रहा तू? अच्छा, उनको तो पता है वो विलन है। एक मिनट, थोड़ा नजदीक आइए सर। ये कह रहा था ये विलन बनना है, तो बने बनाए को क्या बनाना है, तो इसको आप गैंग में शामिल कर ले। नहीं, आज पहली बार कपिल ने उसको अच्छे मुंह वाला बोला है। अच्छा, तो थोड़ी इज्जत रख लो उसकी मेरे ख्याल से। पर चलो, फिर भी हमने डिसाइड किया है तो गुंडा गैंग में आज से डन हो गया सर। जोरदार तालियां मेरे लिए। मैंने अर्चना जी आपको बोला था ना, एक ना एक दिन चंदू होगा सिलेक्ट। अभिमन्यु सर, ऋषि सर, मेरे को साउथ ले जाइए बस एक बार। सर मैंने एक्टिंग ऐसी करनी है, आप देखना मेरे पुतले भी दूध के साथ धोए जाएंगे उधर। एक सेकंड, इस बात के लिए मैं एक बात करना चाहूंगा दर्शकों, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि गर्मी आ रही है, पशु पक्षियों के लिए कुछ पानी या खाना रखें। जैसे गर्मी आ रही, उसी प्रकार से ये भी आ रहा है। तो इसके लिए भी आप पानी खाना कुछ भी रखें, पक्षियों के लिए बाद में रख दें, इसके लिए पहले रखें, पक्षी फिर भी मेहनत करके खा लेंगे। इस पे मुझे डाउट है। जी सर, आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको बता, इसका आशीर्वाद होता है मतलब अगर आप चावल वगैरह कुछ पड़े वैसा टाइप। कपिल तगड़ा वाला आशीर्वाद। सर इसने कभी खाया नहीं, रिएक्शन हो जाएगा, रहन दो। ये मेरा है स्कूल टाइम का दोस्त है, शुरू से ये बदतमीज सर आया है। बदतमीज नहीं सर, स्कूल में मेरी बहुत ठाट थी, उसके बाद हम कॉलेज में भी इकट्ठे थे, तब भी मेरी बड़ी ठाट थी, लड़कियां तो मुझसे मिलने के लिए तरसती रही हैं बहुत ज्यादा। एक लड़की एक बार कहती चलो कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं, ये घर से दो रोटियां दाल और मोमबत्ती ले आया। कहती ये क्या है? कहता कैंडल लाइट डिनर। कहती बैठना कहाँ है? कहना कहीं भी, अंधेरा देके बैठ जाते। ये तो उसकी हरकतें। यशपाल जी, इतिहास गवाह है, चिराग वहीं पर रोशन होता है जहाँ अंधेरा होता है। तो जब बिजली का बिल ही नहीं देना तो चिराग ही रोशन होने। इतना बदतमीज है ये। पिछले दिनों कोरोना चल रहा था, डॉक्टर कहता आप हाथ अच्छे से धोए। कहता सलाह ही दे रहे हो, साबुन भी तो दो। तो अकेले हाथ रखने से झाग थोड़ी होती है। जैसे घड़ियां आती ना वाटर प्रूफ, वैसे ये बेइज्जती प्रूफ है, है? ऐसे कुछ नहीं होता। एक बार उठाता पकड़ा गया सामान, लोगों ने गधे पे बिठाया, मुंह काला करके गधे पे जा रहा है और कोई फील ही नहीं कर रहा। रास्ते में कोई इसका जानकार मिला, कहता चाचा आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।